महाराष्ट्र में राजनीतिक उठा पटक अब खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी। शिवसेना बीजेपी के साथ 50-50 वाले पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर अड़ी हुई थी और शिवसेना के नेता संजय राउत की ओर से लगातार सख्त तेवर अपनाया जा रहा था। संजय राउत एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात किया। कांग्रेस के भी नेता शिवसेना को समर्थन देने को तैयार थे। इससे ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। शिवसेना की ओर से भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का कुछ बड़े नेता शिवसेना के साथ जाने के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब खबर ये है कि 5 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी ने 5 नवंबर के लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक करवा लिया है। इसके लिए बीजेपी ने बीसीसीआई से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि साल 2014 में भी देवेंद्र फडणवीस ने वानखेड़े स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण लिए थे। बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को काफी भव्य बनाने की तैयारी में है, तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी शिवसेना को मनाने में कामयाब रही। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना कुछ अहम मंत्री पद लेकर मान गई है और एक बार फिर से महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।